हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, जो कुछ लोग या मोस्टली ज़्यादातर होते हैं जो उम्मीद छोड़ देते हैं, जो पॉजिटिव नहीं रहते। मैं अपनी कहानी बनाऊँगा, बताऊँगा शॉर्ट में। 2018 के बाद की बात है ये जो बता रहा हूँ, 2018 के बाद की। उससे पहले की स्टोरी आगे चल कर बताऊँगा अपने बारे में। अभी तो मैं जिम वीडियो डालता हूँ, छोटे मोटे ब्लॉग कर लेता हूँ जितना टाइम लगता है, तो मैं घर से जाता नहीं। 2019-18 जो निकल गया, 19 की स्टार्टिंग में मुझे पता चला मुझे डायबिटीज़ है। चलो यार, होती है, 10 में से 2 को तो है ही है, देखा है खास तौर से इंडिया में, बाहर का मुझे पता नहीं। फिर क्या हुआ, 2019 में लेफ्ट साइड चेहरा पैरालाइज हो गया, 19 अक्टूबर के करीब। तब मैं दूसरे ओल्ड चैनल में वीडियो बनाता था, अगर कोई ओल्ड चैनल से उसको पता होगा कि मैं एंड लगा कर रखता था, पलक झपकता था तो आँख बचती थी ऐसे, ये पलक झपकता था मैं, अगर आँख बंद करनी थी तो जोर लगता था। लेफ्ट साइड हुआ तो मुझे दुख तो बहुत हुआ यार, भी ये क्या हो गया, मैंने क्या किसी का बुरा किया, ऐसे से ख्याल आया। पर वहीं से पॉजिटिविटी आई, मैंने रखी, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मेरे साथ भी नहीं होगा। डॉक्टर ने बोला था, अच्छे एमडी डॉक्टर के पास गया था मैं, उन्होंने बोला था कोई 30% ठीक होता है, कोई 60%, रेयर केसेस में कम से कम के 90% तक भी लोग ठीक होते हैं, पर पूरा नहीं। मैं 95% से ज़्यादा ठीक हुआ, थोड़ा बहुत है कोई डॉक्टर ही पहचान सकता है भी मुझे मेरा चेहरा पैरालाइज हुआ था या पैर थोड़ा बहुत अभी भी है। 2019 निकला, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम भी रही थी, वो दवा ले ली, मैं ठीक हो गया था। बाकी डायबिटीज़ थी, कंट्रोल करने लग गया, मीठा खाना बंद कर दिया, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। टेस्ट हुए थे मेरे पिछले साल, सब ठीक है। जैसे डायबिटीज़ से कुछ हो जाता ना, तो जब चेहरा पैरालाइज हुआ मेरे दिमाग में यही था और कुछ नहीं सोचा था मैं, अच्छा होगा मेरे साथ, अच्छा होगा, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मेरे साथ बुरा नहीं होगा, मैं ठीक हुआ 95% से ज़्यादा, बहुत थोड़ा सा अभी भी। तो गॉगल से मैं इसलिए लगा कर रखता था काले, भी कोई किसी को गलत फहमी ना पड़ जाए भी आँख मार रहा है लड़की को। फिर लॉकडाउन में उससे 6-7 महीने बाद, जून जुलाई में, मई में तकरीबन मई में मेरा राइट साइड हो गया। ये मिरर इमेज है ना, इसलिए उल्टा लग रहा है आपको। राइट साइड इतना ज़्यादा नहीं था, लेफ्ट साइड तो बहुत ज़्यादा हुआ था। तब भी यही सोच थी, ठीक हूँगा मैं। जो उन्होंने मुझे एक्सरसाइज बताई डॉक्टर ने, वो मैंने की, दवाई पूरी ली, मैं ठीक हो गया। तो यही बताना चाहता हूँ छोटी सी वीडियो में, हमेशा पॉजिटिव रही है, पॉजिटिव थिंकिंग रखी है, मुसीबत आती है उससे लड़िए। अब 44 की एज में मैंने जिम ज्वाइन किया है और जब तक कोई बड़ी इंजरी नहीं होगी मैं छोड़ूंगा भी नहीं, मैं प्रूव करूंगा भी, एज जस्ट अ नंबर। सो मैंने देखे 2-3 जान अपनी रियल लाइफ में डीमोटिवेट थे, वो ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, इसलिए मेरे दिमाग में अभी बताऊँ मैं, जो मेरे 85 व्यूवर्स हैं उनको बताऊँ मैं भी, पॉजिटिव रहना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर करना, ताकि कोई और हो सके पॉजिटिव। प्रॉब्लम ज़िंदगी में आती हैं, उनसे लड़ना है, उनसे भागना नहीं, डरना नहीं है। और यही कहूँगा, ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लूँगा आपका, मैं यही बताना चाहता हूँ मैं पॉजिटिव था, अच्छा होगा मेरे साथ, अच्छा होगा, पॉजिटिव सोच रखी मैंने। इसलिए जहाँ भी, जैसे डॉक्टर ने बोला था 30% ठीक होता है, कोई 60% और रेयर केसेस में 90%, जैसा डॉक्टर ने बोला था, मुझे पता नहीं इसका, मैंने कोई गूगल नहीं किया इसके बारे में भी कितने परसेंट ठीक होते, मैं ज़्यादा हुआ और सिर्फ डॉक्टर ही पकड़ पाएगा मुझे भी, इसका चेहरा पैरालाइज हुआ या है थोड़ा सा अभी भी, कोई और नहीं, बाकी आप पर है, पॉजिटिव रहिए, मैं यही कहूँगा।